सपना के साथ क्या कुछ हुआ है, बट वो अंदर अंदर क्या सफर कर रही है यार, ये वही जान सकती है। और एक औरत का सवाल है, प्लीज मत बोलो। इस बार उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हमने वहाँ का सडन ट्रिप बनाया था। रोती रही पूरी रात। सपना को पैसे का इतना सा भी लालच नहीं है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओए लक्ष्मी, मॉर्निंग वेलकम टू लक्ष्मी ब्लॉग। भाई भैया ये पढ़ जाता है। अच्छा तो है बेटा, उंगली में क्यों लपेट रखा है ये? इसको खाना, सही से रख इसको, पागल ऐसे खा। हाँ भाई, नहीं तो बिश जी यार, काना भाई बहुत कार्टून वाली हरकत कर रहा है आजकल। मेरे बाल आज ऐसे हो रहे जैसे एक मूवी थी ना, नंदू सबका बंधु, जो शक्ति कपूर बनते हैं। तो आज यार हम लोग सबसे पहले रोहित और वैष्णवी के पास जा रहे हैं, उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और उनको डॉक्टर के भी दिखा के आना है। वैष्णवी का तो पेट खराब हो रहा है, बाहर का खाना बहुत मंगा के खाती है, जो मैं भी खाता था बट अब नहीं खाता हूं। और रोहित को भी थोड़ा फीवर हो रहा है, वायरल चल रहा है, ऑलमोस्ट सबको हो गया है। तो यार इनको आज डॉक्टर के लेके इनको मेडिसिन दिला के लाएंगे हम। नीतू मेरे बाल देख, वैसे लग रहे नंदू सबका बंधु। हां तुम क्यूट लग रहे, क्यूट लग रहे। नीतू इधर एक चीज दिखाता हूं, जल्दी आ। क्या? हां जल्दी जल्दी देख क्या हो गया अभी मेरे साथ। क्या हुआ? मैं नहा रहा था ना, तो एक बाथरूम में पूरा कांच कांच टूट गए। ये देख, मतलब मेरे ना कौनी लगी इस पे, जो सोप रखा था पूरा टूट गया। तुम्हें तो नहीं लगी? नहीं मेरे को नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मारा तो यहाँ पर आ गए होंगे सब। बस मैं अपने बाल बाल बना लूँ यार, बच गया यार मैं। मगर कांच टूटना बहुत शुभ होता है, अगर लगे ना इंसान को, वो टूट जाए तो बहुत शुभ होता है। गाइस देखो अभी क्या हुआ, ये नीतू के पास किसी को नहीं आने दे रहा, देखना जैसे इसको लगेगा ना मैं नीतू को मारने वाला हूँ। ये हमारा टॉय जो है इसको देखना, मैं नीतू को, नीतू नीतू और ये हाल तबे से बहुत डरता है, बहुत डरता है। देख नीतू को, नीतू को एक ए ये था, नीतू को मार के दिखा एक बार। ये मारने जा, मारने तो जा एक बार। ए बोल तो सही, मार रहा हूं, मार रहा हूं ऐसे, मारो मारो को मारो। जॉय जॉय जॉय, ये जॉय, ये अभी देख देखो देख, नीतू को मैं मार रहा हूं भाई, पास नहीं आने दे रहा उसके। जो ए ट्रीट लाइयो, मैं नीतू को मार दूंगा, मैं नीतू को मार नीतू को मार दूंगा मैं। अब ट्रीट कर, ट्रीट नीतू। अच्छा नहीं छोड़, भाई यार वाह, अब तो मेरा जोजो ट्रीट सबसे ज्यादा निकला है। जोजो ट्रीट तेरा मेरा बेटा, जा वो बैठे जी मस्त। मैं तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। भांग का इंतजार है बस अब। ना वो राजा जी है, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बचाया तो तू ट्रीट खाएगा, उसने मुझे बचाया। भाई वाह यार टॉय, वाह बेटा मैं तेरा ही हूं। ओके जबकि इसकी सबसे ज्यादा डरता है मेरे से, उसके बाद ये हाल है। देखो खाली तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रहा हूँ सबसे पहले विला पे, खाना वाना बाद में खाऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सांप निकला। यश का फोन आया जस्ट अभी, मेरे को ये सांप से बहुत डर लगता है मगर देखना है उसको। कैसे अंकल? शायद पीछे जाना पड़ेगा आज तो। भाई बरसातों में ना एक्चुअली सांप ज्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि जिस बिल में ये रहते हैं वहाँ पानी भर जाता है पूरा बरसातों का, तो इनको निकल के आना पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्पॉटिंग इसी टाइम होती है। यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, और यश ने वीडियो भी भेजी थी मुझे। एक्चुअली हमारे नहीं, हमारे आस पास ही कहीं पर निकला था, हमारे घर पर नहीं था। बिम्पू कहाँ है? कोई भी तो है नहीं, कहाँ पे? गाइस मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पता मैं खाना वाना छोड़ के आया हूँ, वो सांप भाग गया। सांप तो तेरे लिए रुकेगा ना कि तू खाना सांप भाग गया हमारे घर पे ही। ओके गाइस आपको बस एक चीज में बताना चाहूंगा, अगर कभी सांप स्पॉट होता है तो कभी भी उसको मारना नहीं, हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर देना, क्योंकि नॉन अवेलेबल केस होता है, सीधा आप लोग मतलब जो भी करेगा उसको सीधा जेल हो जाएगी, तो कभी भी मारना नहीं, बस कॉल कर दो। हाँ भाई ऑस्कर को बाबू क्या? गाइस हमारे घर में लड़ाई हो गई है इन दोनों में, कड़ाई में नहीं है। मुझे बहुत प्यारी सी वॉच गिफ्ट करी है। कहा? अच्छा ये कह रहा है कब पुनीत ने करी है वॉच? वही तो कब तेरे को। अबे सुनो ओए जल्दी तैयार हो जाओ, चलो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके चलते हैं। क्या हाल मचा रखा वैष्णवी और रोहित के लिए? किसके लिए? वैष्णवी की कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं होती, वो तो खुशखबरी होती है, वो गड़बड़ नहीं है। अरे नहीं भगवान कर ऐसे ही हो, तुझसे यही नहीं हो रहा है, यही नहीं खुल रहा, शादी नहीं होगी। मतलब शादी क्या कनेक्शन है इससे? टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे चल यार पुनीत तू जल्दी आ, चलो यार गाइस चल रहे, ये लो बेटा खेलते रहो, लो हम आ रहे हैं ठीक है। आप पुनीत तुरंत आ, नीतू आ जल्दी आ। सबसे पहले आई एम फ्रूट्स लेने के लिए, और मैं पपीता लेना चाहूंगी क्योंकि पपीता एक ऐसा फ्रूट है जिससे पेट साफ हो जाता है, और रोहित का पेट बहुत ज्यादा खराब है, कल 4-5 बारी वो गया था वॉशरूम, मैंने देखा था। अच्छा लोगों को तो पता ही नहीं पपीता क्या होता है, भैया कट करके दिखाइएगा। जब भी पपीता लो या कुछ भी ऐसा बड़ा वाला फ्रूट लो, हमेशा कट करके देखो, भैया से बोलो कि काट के हमें दिखाओ। पपीता है, एप्पल है, कम है यहाँ पर सब्जियाँ, लेकिन हम आगे से और लेंगे। फ्रूट्स भाई एक काम कर दो, पीछे नारियल पानी वाला, 5-6 नारियल पानी ले आओ पैक करा के ना। ले सैंडी, हाँ मैं अम्मा दिखी है,
अम्मा को सेब खाने, दीमक तो लग रही है इसमें, पेड़ का निशान खराब हो गया, मिट्टी होगी नहीं तो दीमक नहीं। आजकल मुझे हर जगह दीमक दिख रही है क्योंकि हमारे घर में दीमक लग गई थी। ते फल में भी लगते हैं, फल में भी लगते हैं, होते होते हैं। लगन भाई को नहीं पता शायद, नीतू ने बोला तो सही बोला, तो हमें पता है मेरे को दीमक लगते हैं। और क्या खाने को तो लिया अम्मा ने, सही कह दिया, और क्यों लिया है? चलो नीतू अम्मा को, अम्मा खा ले उसे, तो नहीं बोलती तो नहीं खाती है ना। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि काफी लोग होते हैं कि कुछ दिला दे तो आगे बेच दे, तो वो चीज गलत है, अगर हमने उनको दिलाई वो खा ले। बट ज्यादा कपड़े वपड़े बेचते हैं लोग, ऐसी चीजें नहीं बेचते, नहीं खाने की बेचते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमसे फ्रूटी लेके गए हैं, फ्रूटी फिर आगे बेचे हैं 5 रुपए की 10, क्योंकि उनको फ्रूटी नहीं चाहिए होती ना, उनको जो चाहिए होता है बेच के पैसे ले लेते हैं, फिर वहाँ पैसे उसे खरीद लेते हैं। हम लोग आ गए हैं दोनों के घर पर, बट अभी बाकी लोग नहीं आए, नारियल पानी लेने गए हुए हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हम। कोई बात नहीं, हम ही तब तक चलते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, और क्या है वो गुड न्यूज हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। क्या गुड न्यूज? कुछ भी हो सकती है गुड न्यूज। मैं भूल गया था बेल भी है। क्या हवा चल रही है मस्त यहाँ पे यार, हवा बड़ी मस्त चल रही है यहाँ पे। हेलो हेलो, अरे गेट खोलो भाई, क्या ताला लगा के सोते हो क्या भाई? लॉक को ही ताला बोलते हैं, लॉक को ही ताला बोलते हैं भाई। हेलो कैसा है भाऊ, तबीयत ठीक है? अभी तो ठीक, ठीक होती तो घर ही मिलता है ना। क्या हो गया है? फीवर आया था बहुत ज्यादा। देखा अभी भी हल्का हल्का है, नमक की पट्टी चढ़ाई है। नमक की पट्टी? हाँ यार लगा देना, नमक की पट्टी। अरे यार तो तू सुन, उधर आ जाना, उधर सब टेक केयर तो कर लेंगे एटलीस्ट। अभी तो हॉस्पिटल जा रहे थे। अच्छा ये भाई तेले फ्रूट्स पहले तो ये खा आराम से, एप्पल ठीक है तो आ रही है, वो चेंज वेंज कर रही होगी। तो अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं तुम लोग? मैं जा ही रहा था उसी के लिए। रात को क्या हुआ कि दोनों यहाँ सोए थे, तो पहले तो उसको फीवर था तो मुझे कुछ भी नहीं था, तो फिर मुझे भी फीवर हो गया, वो ठीक हो गई पूरी, और सुबह तो मेरा सर ऐसा भारी भारी था पूरा। मतलब बेसिकली तूने उसका फीवर अपने ऊपर ले लिया, उसको ठीक कर दिया। हाँ डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर वही बताएंगे जो कल बताया था ना। ये मैंने क्या बोला था, तू आज कितनी दवाई ले ले, 3 दिन से पहले ठीक नहीं होगी इसमें। मैं तो बहुत ज्यादा फैमिली में मेरे को होता रहता है ना, तो लिक्विड ज्यादा लेना है इनको, इसीलिए नारियल पानी मंगाया है। ठीक है आराम से फिर दिखाओ। नारियल पानी लेना था ना? हाँ लेना तो था, कहाँ है दिख नहीं रहा। ओह हो भाई, अच्छा इससे तो 4 नारियल उठवाए भाई ने, पाइप उठाई है देखो। वाह सैंडी भाई वाह, लो भाई लो सैंडी भाई की तरफ से, आराम से 2 जने उठाओ मिलके यार, पाइप उठा रहा अकेला। हाँ ऐसे लो ये पी लो, यहाँ ला के तूने दे दिया अपने हाथों से ना। गुड, ये लोग प्लान बना कर रहे हैं तीनों, क्या कैसे कैसे क्या करना है, रोज से ही हो जाएगा। मगर मेरे को ऐसा लग रहा है वैष्णवी कोई और बात तो नहीं है? नहीं। फ्रेंड्स एक इशू हो गया है कि भाई को जहाँ हॉस्पिटल में जाना था ना 2 बज गए, तो डॉक्टर 2 बजे तक उठ जाते हैं। अब वो अपने क्लिनिक पे बैठेंगे, तो अपने उनके क्लिनिक पे जाके दिखाएगा 4 बजे, तो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा इसको। बिरयानी का है सैंडी, कह रहा है बिरयानी का है। क्यों बिरयानी क्यों चाहिए? खाना बना के सोए थे तो सैंडी के कान में कह रहा है बिरयानी का है, क्योंकि बिरयानी बनाती है ना बहुत टेस्टी। अच्छा बता, बहुत टाइम से कह रहा है कि बिरयानी बना कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। अब उसकी तबीयत खराब है बना दे। हां कहां से लाए बिरयानी, अभी तबीयत ठीक हो जाए उसकी भाई। अरे कोई यार भाई, मतलब दिख रहा है बीमारी में बंदा टक 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 करे जा रहा है, और ये लोग बस देख रहे हैं। हां देखकर उससे बिरयानी और बनवा रहे हैं, मदद करने से तो रहा कोई सा। अभी देखो पुनित कैसा करेगा, आराम से पुनित आराम से। हाँ ये बात, अरे तेरी, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गया। क्या गया सर? पिचकारी गई इतनी दूर, लाओ एक और दो। भाई वाह, मान गया मैं तेरे को यार रोहित। स्ट्रॉ दे रहा है, क्यूट है यार। तू नाक से बताया तेरे को, नाक लगे से मेरे हाथों में डर लगा रहता है। ओए भाई देख के उधर कोई कर ले, फिर तू पिचकारी मारे किसी के मुंह पे। ठीक है बाय बाय गाइस, 4 अभी 2 घंटा और रेस्ट करो, 4 बजे जाना उनके क्लिनिक पे। क्लिनिक देखा है ना उनका? हाँ क्लिनिक नहीं पता, अल्फा अल्फा 2 में जहाँ पे अल्फा 2 में वो देखी थी, जिस दुकान में हमने वो करी थी शूटिंग। मैंने इसको सुबह ही बोल कर ड्राइवर भेज दूंगी, तो मुझे बता देना, इसने बताया नहीं कुछ। हैप्पी वन नाम डाल लेना, आ जाता। क्या हो गया? बता रही थी घर वाले याद आते हैं बीमारी में। अच्छा फिर से नहीं बाहर, वैष्णव बीमारी में मम्मी ज्यादा याद आती है ना, क्योंकि मम्मी इतनी टेक केयर करके रखती है ना बीमार में, सच में बहुत ज्यादा। वही गपशप लग रहा है। जब भी बीमार होती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ, क्योंकि जब भी बीमार होती थी तो मैं मम्मी को हक करके सोती थी। इसीलिए तू किसको याद करता है जब तू बीमार होता है? बीमार ए मैं बीमार पड़ता, तू तो है ही ना बगल में। ए कौन सा फ्लोर है ये? सेकंड। तो नीचे ऐसे चल देते हैं ना, चलो आओ। तुम चल लोगे? नहीं यार नीतू मैं नहीं चल पाऊँ, कंधे बिठा लियो मेरे को। हाँ हाँ क्या मौसम हो रहा है भाई। हाँ नीतू तुमने ऐसा मौसम देखा नहीं होगा ना, तुम यूएस से आए हो। हाँ अच्छा यूएस में ऐसा मौसम नहीं होता, इसका मतलब ये मुझे ट्रोल करना चाहती है, बट लॉजिक वाली बातों से तो कर। गाइस यहाँ पे ना स्कूल की छुट्टी हुई है, सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है। इतना सा पानी बहुत है इसमें।
आ गए हैं घर पर वापस और बस अब लंच करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहो, आपसे बहुत बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है हम लोगों को। लगन का यहाँ पर लंच लग चुका है, लंच में क्या है भाई? मेरी नई फेवरेट सब्जी जो है ना, ये मेरी नई फेवरेट सब्जी है, मखाने वाली। मखाने की सब्जी? मुझे नहीं पता था इतनी पसंद आएगी। मखाना अच्छा भी होता है ना, मतलब बड़ा न्यूट्रिशियस है। तो मखाने की सब्जी, राइस, चीज, पनीर। जो जो आज आपने गुड वर्क किया तो ऐसे नहीं भौंक रहा तू? तो खाना खाना इसलिए भौंक रहा है। सो गाइस, बहुत सारे लोग बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस कर रहे हैं सपना दीदी को लेकर और कंसर्न भी दिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जो कि जो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे हैं और जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हर जगह गंदगी है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ हो, हर जगह। तो हम उन्हीं के बारे में आज कुछ बात बताने वाले हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह से ये पंखों पर लगा हुआ है, पता नहीं कितना चमका देगा। और माजे जा रहा है, माजे जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तू क्या करना चाहता है इधर दिखा? नया नया करना चाहता है इनको? तू चाहता नहीं नए लगे पंखे यहाँ? इन्हीं से काम चल जाएगा। कह रहा है कि मैं 2 महीने मतलब 1.5 महीना नहीं था ये यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ सफाई अच्छी हुई नहीं है। मैनेजर साहब है ना? मैनेजर आ गए हैं, ये पूरे घर के मैनेजर हैं। और तो माज क्यों रहा है ने? हाँ वही तो, माजे जा रहा है। ये जो पैंट है ना वही है। अरे यार, एक तो इतनी गर्मी में काम कर रहा है, मैं तो उसको देखकर ही गर्मी लग रही है, पागल है। तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? काम है नहीं पता तुम्हें? बेइज्जती कर दी भाई दूसरे फ्लैट में, क्योंकि भाई अभिषेक जो है ना प्रॉपर वो बिना लहसुन प्याज का बचपन से ही खाया इन्होंने, तो बिल्कुल लहसुन प्याज को टेस्ट भी नहीं पता कि कैसा होता है। तो मैंने बोला कि DC4 में पापी का खाना बना करेगा, तो वहाँ पर इसका हम इसको वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ पर भैया को बोल दिया वो खाना बना रहे हैं और ये वहीं पर ही खाए। हाँ भैया अभिषेक भाई, कैसा है खाना? बढ़िया है, प्योर वेज। प्योर वेज तो होता ही है भाई, हमारे घर वेज तो बनता है, लहसुन प्योर वेज में अचार में तो होगा लहसुन। मगर यार सच में लहसुन प्याज, चलो लहसुन अदरक के तो खाना चलो ठीक है, लेकिन प्याज के बिना खाना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मुझे इतना पसंद है। और यार ये बचपन से ऐसे खाते आ रहे हैं, हैट्स ऑफ यार। पता ही नहीं इनको टेस्ट क्या होता है प्याज का। कहते हैं एक दिन, कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता मोमोज कैसे होते हैं, चाउमिन कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाई नहीं है, ये बाहर से खाते ही नहीं है। तो अभिषेक भैया ऐसा कैसे? कभी खाए नहीं दीदी, तो पता ही नहीं है। वाह यार, और तू तो कुछ ना छोड़े, तू तो इंसान को भी ना छोड़। भाई मैं सच का सामना करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। वैसे यार मैं एक टाइम में बहुत झूठी हुआ करती। आपको एक अपना किस्सा बताती हूँ, मैं और मेरी एक फ्रेंड हुआ करते थे, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, पता नहीं वो कहाँ पर है। तो उसको सब लोग झुटेरी बोलते थे, मैंने उसका फेमस नाम कर दिया था स्कूल में, झुटेरी। तो उसको सब झुटेरी कहते थे। फिर मेरे घर वाले फिर मुझे बोलने लगे कि तूने उसका नाम उसको नाम दे दिया झुटेरी, लेकिन सबसे बड़ी झुटेरी तू है, क्योंकि मैं हर चीज़ में ना 2 मिनट में झूठ बोल देती थी और इंस्टेंट झूठ बनाती थी। अब आप ये देख रहे हो कि मैं स्क्रिप्ट बना लेती हूँ नंद भाभी की तुरंत, जैसे हम कहीं पर गए मैं ऐसे बोलती हूँ अच्छा ये करेंगे ये करेंगे, तो वैसे ही मैं ना तुरंत झूठ बना लेती थी। तो अब नहीं बनता मुझसे झूठ, अब तो मैं बिल्कुल हंसने लग जाती, मेरा झूठ पकड़ा जाता, लेकिन उस टाइम पर ये क्या कर रखा है भाई आपका वो वाला अच्छा लग रहा तेरे को ये? हाँ चल अभी तेरे लिए कुछ शॉपिंग करने चल रहे हैं हम। तो हम लोग काना के लेने जा रहे हैं अलमीरा, फिर काना का सारा सामान अलमीरा में रखेंगे, पिंक कलर की अलमीरा आएगी इसकी, क्योंकि नीतू को जाना है लेने इसलिए पिंक। मैं होता तो मैं इसके लिए नॉर्मल जैसी होती वैसी लेके आता। तूने कब बोला पिंक? हाँ? तूने बोला नहीं था अंदर अभी। काना कौन से कलर की चाहिए तेरे को अलमीरा? पिंक। चल भाई पिंक ही आएगी, आ जा काना। झुका दे वो लड़का बहुत फ्रैंक है आरजे अभिषेक के साथ। पहुंच गए हम लोग फर्नीचर मार्केट। आजा काना, काना कहाँ गया? मैं जब भी ये वाली शॉपिंग के लिए आता हूँ ना तो मेरे को यहाँ पे बोरियत होने लगती है, बट फिर नीतू कुछ ले आती तो उसमें 100 कमियाँ निकालता हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो कि गलत चीज़ है। चलिए नीतू की शॉपिंग। पानी तो क्या बनवा रही हो घर का? काना वाली नहीं मिली, दिक्कत यही है बस। अबे छोटा भीम भी चाहिए, ये भी चाहिए, कौन सा चाहिए भाई बता, कोई एक बता कौन सा चाहिए, सही बता। अब देख लो छोटा भीम चाहिए आपको या स्पाइडरमैन चाहिए? स्पाइडरमैन पक्का, व्हाई नॉट छोटा भीम। अच्छा एक काम कर, इन सब में से किसी एक पर हाथ रख दे, वही लेकर चल देंगे, बता कौन सा है। ये चाहिए? चल भाई ये ले लो, उसके उसका स्पाइडरमैन ही चाहिए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये चेयर रिक्लाइनर भी है, ये रिक्लाइन हो जाती है यहाँ से, बड़ी कंफर्टेबल सी है ना, यही कहीं है इसमें, ये रहा। हो ही नहीं रहा यार। तो हमने बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स देख ली बट कुछ भी नहीं मिला जो हमें चाहिए था। अब काना के लिए क्योंकि हमें किड्स वाला चाहिए ना, किड्स वाला बच्चों वाला चाहिए ना, तेरे को कार्टून वाला ना, शिनचैन वाला। इंटरनेट पे देखता हूँ अमेज़न वगैरह पे शायद मिल जाए। वरना आपको कोई अच्छी सी फर्नीचर की शॉप पता होगी जो दिल्ली में हो या ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में हो तो बताना जरूर। तो फ्रेंड्स फर्नीचर देखने आए थे एक जगह, हमने ये भी लिया, बड़ी कूल चीज़ आपको घर ले जाके दिखाएंगे। साथ में ना मुझे भी कुछ और दिखा, मुझे नीतू को, और हमें कुछ याद आ गया उससे। दोनों का जब स्ट्रगल टाइम चल रहा था मून कोर्ट में,
जब हम लोग मतलब मैं शिफ्ट हुई थी नई नई रेंट वाले घर में जब रहती थी ना, तो मैंने ये लिया हुआ था और अभी तो पता नहीं ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है लेकिन उस टाइम मेरे को स्टिक हुआ करती थी, तो हम लोग उसको फिट करते मैं और लगन बोलते लगन प्लीज करो, कभी पूनम दीदी करती थी कभी लगन, तो मतलब ये लोग लगे रहते थे, याद है लगन की साइड में रखा रहता था। ये प्लास्टिक का कितने का गया था ये उस टाइम बहुत महंगा लग रहा था 5,500 रुपए का था। अच्छा इतना मगर उसमें कम थे इतना मतलब टूटता रहता था, मुझे याद आया, मुझे जैसे ही मैंने ये देखा ना मैंने बोला नीतू तेरे कुछ याद आया, तो हम दोनों को एक साथ याद आया, फिर वो टाइम याद आता है तो अच्छा भी लगता है और बट मजा आता है। बट मैं उन लोगों को सबको बोलूंगा जो आज कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है मेहनत करते रहना बस पक्का अच्छा टाइम आएगा। तो आ चुके हैं हम, जा रहे हैं इनको डुमी डुमी कराने और टॉमस भी नहीं आ सकता है क्योंकि उसको वैक्सीन नहीं लगी है ना। सही पकड़े गुची सॉरी मैं तो गुची कह रही थी गुची ब्राउनी एंड हमारा केबी गबलू एंड क्या नाम है इसका नहीं जो जो भाई सही में मौसम इतना अच्छा है ना मैं बता नहीं सकती, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है लेकिन मैंने बता दिया, मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैं बता नहीं सकती पूछो मत, मैं पता नहीं एक तो मेरे डायलॉग्स हैं जो मैं बोलती हूँ क्या हो गया So guys, आप लोगों को सुबह से हमने बताया था कुछ आप लोगों से बात करनी है तो चलो वो वाली बात निपटा लेते हैं पहले, व्लॉग तो वरना खत्म होगा ही नहीं, हम लोग बाहर बैठ के बात करेंगे तसल्ली से। काना एकदम फोन लेके आया, काना को एक एक चीज का ख्याल रहता है, किसी का फोन नहीं आ रहा, रखो रख कर आओ, रख दे बेटा वहीं जा खेल ले तू आराम से, पानी पी लो बाहर से आयो। ओके जैसे कि सब लोग पूछ रहे थे कि सपना दीदी के बारे में बताओ, वो व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही है और दूसरी चीज आप उनको बता नहीं रहे हो, बहुत सारी चीजें थी पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हम दीदी के साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और यार बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप वहाँ से आए आपने कोई अपडेट नहीं दी, तो सच बताऊँ तो मेरी जब तक सपना बहन से बात हुई थी तब तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया, बट वो अंदर अंदर क्या सफर कर रही है यार ये वही जान सकती है, और हमें ना मतलब इस बार उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए हमने वहाँ का सडन ट्रिप बनाया था क्योंकि ऐसा बात करते करते लग जाता है ना कि यार बंदा अंदर से परेशान है, तो वो ऐसा लग रहा था। बट हम जब वहाँ गए हमने तब भी पूछा कि यार सपना क्या हो गया बात बताओ कुछ बात है क्या, तो वही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरे को जब तक मैं वहाँ से निकला हूँ अंदाजा नहीं था, जब मैं घर आया हूँ तो मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग देखा है कि सपना के साथ क्या कुछ हुआ है, मतलब यार 18-19 साल की लड़की थी जब से उनके साथ क्या क्या होता आ रहा है मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब वो वीडियो देख के तो हिल गया, वीडियो देख के मैंने थोड़ी सी प्ले करी, सॉरी गाइस बीच में वीडियो रोकनी पड़ी, टैडी हमारा ना बिल्कुल ऐसे बाहर भागने को हो गया था, मतलब यहाँ भागने को हो गया था, हम लोग यहाँ बैठे थे और वो यहाँ से सीधा यार नीचे गिर सकता है, डर लग गया एकदम से। तो जैसा कि हमने बताया कि मतलब हम वो वीडियो देख के शॉक्ड है भाई कि मतलब 19 साल की है शादी करके आई, और सबसे बड़ी बात उसने आज तक कुछ नहीं बोला, मतलब मेरी और दीदी की बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था, वो वीडियो देख के उनको पता चला और वो रोती रही पूरी रात पूरा दिन, सच में यार उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बस हम प्रे करते हैं कि अब उनके साथ कोई भी बुरा ना हो और कोई भी ऐसे कमेंट्स मत करो यार उनको प्लीज, कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ अच्छा लिखो उनके लिए, आई नो आप भी बहुत केयर करते हो जैसे आप हमारी करते हो वैसे आप उनकी करते हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि उनको उनके पास एक तो भगवान है और एक आपका सपोर्ट चाहिए, तो जितना हो सके ना उनको प्यार दो, उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि वो मोटिवेट रहें और अपनी बच्चियों को पाल पाएं यार, उनकी उनके सर पे दो दो बेटियों की जिम्मेदारी है, एक तो खुद की क्योंकि आपको पता है वो किस चीज़ से गुजरी हैं, तो एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोसाइटी उसको ऐसा देखती है उस नज़र से देखती है, ऊपर से दो दो लड़कियाँ, मैं मतलब मैं पहले सोचती थी भगवान मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो ये दे रहे हो, मगर उनकी प्रॉब्लम तो यार भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ भी हो, वो फिर भी किसी से कुछ बोलती नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंप्लेनिंग नेचर तो है ही नहीं उसका, मतलब आप लोग देखो जब भी मैं घर भी गया मैं आंटी जी से मिला था बहुत अच्छे से, सपना ने बड़ी तारीफ करी, सपना सब कुछ बता रही थी, वहाँ से आने के बाद मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मुझे लगा कि यार कल मैं वहाँ पे था बहन कुछ तो बोलती यार, मतलब अगर तू सफर भी कर रही है तो, बट उसके बाद मैंने कॉल भी मिलाया उसको, 2-3 बार बात भी हुई, अभी भी यार वो फोन पे कभी बताएगी नहीं कितना परेशान है, बोले नहीं भैया सब ठीक है सब ठीक है, बट यार वीडियो तो मैं भी देख रहा हूँ ना। और एक रिक्वेस्ट यार आप लोगों से करूँगा कि बहुत सारे लोग ना ऐसा कमेंट कर रहे थे वहाँ पे कि सपना ना मतलब मैं बस एक चीज़ बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना सपना के साथ, सपना को पैसे का इतना सा भी लालच नहीं है, सपना के चैनल मैंने देखे है भाई क्योंकि उसमें कुछ इशू हो रहा था, और अगर आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि सपना के चैनल में आधी वीडियो मोनेटाइज भी नहीं है ना, तो वो कुछ पैसे या उसके लिए नहीं कर रही है, इनफैक्ट मैं क्या ही बोलूँ, खैर वो चीज़ें बोलने के लिए मैं राइट आदमी नहीं हूँ, बट हाँ जब टाइम आएगा बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी के लिए हाँ अभी के लिए बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी सो क्विक टू जज, एक अकेली लड़की दुनिया से लड़ रही है ठीक है, उसके साथ क्या क्या हुआ है उसके साथ क्या क्या हुआ है प्लीज डोंट फॉरगेट इट, और दूसरी चीज मीन कमेंट मत करते देखना भाई मेरे को तो भाई पर्सनली हिट कर रही हूँ चीज़ें, और अगर मैं रिएक्ट कर जाऊँ फिर मतलब प्लीज़ यार प्लीज़ मतलब एक लिमिट होती है, इंसानियत थोड़ी बहुत रखो अपने अंदर, मत करो ये सारी हरकतें जो आप कर रहे हो,
और ऐसे ऐसे कमेंट मत करना भाई, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं बोला किसी चीज के लिए भी, मेरे मैटर में, लखन के मैटर में, लेकिन इस मैटर में एक औरत का सवाल है, प्लीज मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। और एक ऐसी औरत जो बहुत उन चीजों से गुजर रही है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो हमें यार किसी की नहीं, हमें ना बहुत चीजें नहीं पता, हम दोनों को भी नहीं पता, हमें वो वीडियो से पता चली है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, तो प्लीज कुछ मत करो प्लीज। मतलब एटलीस्ट आप किसी का बोझ कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ मत, ठीक है ना। मतलब किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे उनके बारे में, आप कमेंट्स उनके वाले लाइक नहीं कर रहे। भाई भाई किसी के परिवार के मैटर में मैं कैसे कमेंट कर दूं, मेरे को एक चीज़ बताओ। मतलब सपना मेरी बहन है, बट वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ये पता कि यार मैं बस ये चाहता हूँ कि सपना ठीक रहे यार। मैं मेरा कंसर्न उसकी सेफ्टी को लेकर, ठीक है जो हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता, बट उसको हम एक सपोर्ट दे सकते हैं भाई। मतलब कि सब लोग साथ हैं, सपना हम लोग साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया प्लीज़ क्राउड फंडिंग कर दो सपना को, हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं। भाई उसको पैसे नहीं चाहिए, मतलब मुझे पता आपका कंसर्न था, बट वो कर लेगी यार, वो कमा लेगी, मुझे पक्का पता है। बट इस टाइम बस उसको सपोर्ट चाहिए और उसको मेंटल पीस चाहिए। हम सब चीज़ें कर लेते हैं, बस हम मेंटल पीस की बात करते ही कभी नहीं यार। उस बंदी को थोड़ी शांति चाहिए, उस बंदी को थोड़ा टाइम अपने आप चाहिए, अपने घर वालों के साथ चाहिए। प्लीज़ बस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरे को पता है भाई मेरे जो लखनी ऑडियंस है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत मैच्योर कैटेगरी के भी आते हैं लोग, जो मतलब 30 साल 35 साल 40 साल की एज के बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे चैनल को, मोस्टली व्यूअर्स उसी एज के हैं। बट जो छोटी एज के भी ना, बड़े बड़े मैच्योर है, मतलब मोर देन देयर एज। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे, हम सब लोग सपोर्ट करें सपना को, और किसी का सरदर्द ना बने। और जो लोग ऐसे आते हैं ना भाई जो परेशान कर रहे हैं, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो खुद ही फाइटबैक कर देती है ऐसी चीज़ों को। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है और सबसे एक ही प्रॉमिस लेना चाहूँगा, सपना के साथ रहना, और हम सब उसके साथ हैं, मतलब उसको अब कुछ होने नहीं देना और उनको अकेला बिल्कुल मत छोड़ना प्लीज़। तो आप लोगों से हम कल एक नए सरप्राइज़ के साथ मिलेंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको कल ही रिवील होगा। वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी कर दो। बाय बाय, टेक केयर।